Charmi, can you make this Facebook live from your end? Okay, just give me 2 minutes. Sir, please make me host. We'll start in 2 minutes. Thank you for giving your 20 minutes for on a Saturday evening, basically. Charmi, you need to make me host so I can start with the presentation. Make me co-host. Yes, sir, just give me 1 minute. We are going live. Sure. Yes, we are live and you are co-host. You can share the screen. Sure, thank you. I hope the screen is visible to all of you. Again, warm welcome to you. Thank you, Charmi, for your introduction. We'll straight away start with the presentation for today. So probably aap mein se kuch logon ne ye teasers hamare ya to WhatsApp pe dekhe honge ya shayad Facebook pe dekhe honge. I will just run through them. So we were doing this campaign with two teasers. Pehla ye tha ki what will you turn to when fixed deposits or bank fixed deposits are diminishing ya fir banks default kar rahe. Aapke paas kya options available hai jab hi डिपॉजिट्स जो फिक्स डिपॉजिट्स है बैंक ऑफर कर रहे हैं उसके रेट्स कम हो रहे हैं और बैंक्स के भी काफ़ी डिफॉल्ट्स हो रहे हैं. सो ये एक टीजर हम लोग रन कर रहे थे और दूसरा टीजर ये था कि इज इट इग्नोरेंस दैट इज कॉजिंग यू 30-50% लॉस ऑन द ROI यू आर जनरेटिंग ऑन बैंक FDs. बैंक FDs में आप पैसा रख के आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्या? काफ़ी लोगों को ये पता होता है बट स्टिल दे डोंट एक्ट ऑन इट. प्रॉबली आज का वेबिनार उसी के लिए है कि वी आर गोना शेयर सम पॉइंटर्स सम फैक्ट्स एंड फिगर्स कि आप उस पर एक्ट करें और डिसीजन ले. सो बेसिकली टू टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम, जब भी हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं दो चीजें हमारे मन में होती है, टू थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट. एक तो अश्योरेंस हो और एक रिटर्न्स हो. वी वांट सिक्योर्ड, वी वांट गारंटीड, वी वांट फिक्स्ड रिटर्न्स. सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है जो हम देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम में हम जब भी इन्वेस्ट करें तो वी नीड क्लियर कट अश्योरेंस एंड फिक्स्ड रिटर्न्स टू बी मेड. टिपिकली दीज आर द ऑप्शंस दैट वी इन्वेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम. बैंक FDs प्राइमरीली, पोस्ट ऑफिस, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, LIC भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर गेटिंग फिक्स्ड रिटर्न्स. वी हैव PPF विच इज अ टैक्स फ्री रिटर्न. आई होप आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक बंदा है जिसने बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है? इफ देर इज समबडी प्लीज पुट येस इन चैट बॉक्स. आप में से कोई है जिसने बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है? आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बैंक डिपॉजिट्स या कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं करता है. Anybody in the room who is not investing in bank deposits? Okay, so the answer is very clear ki sab log bank deposits mein definitely invest karte hai. That is the best known option to all of us.
हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स से ये डेटा आपके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली. सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कॉमन मैन, कॉमन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, कि अगर उसके पास 100 रुपया है तो वो कैसे इन्वेस्ट करता है, हाउ डज ही इन्वेस्ट हिज सेविंग्स. सो द स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्लियर कि लगभग 60% गोज इन डिपॉजिट्स, इन बैंक डिपॉजिट्स. वो कोऑपरेटिव डिपॉजिट्स हो सकते हैं, वो कमर्शियल मतलब प्राइवेट बैंक्स में हो सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो सकते हैं, बट 60% इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट 100 रुपीज, तो 60 रुपया बैंक डिपॉजिट्स में पैसा जाता है. बाकी 40 रुपीज देन गोज कुछ पैसा करेंसी मतलब कैश फॉर्म में रहता है, कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस में जाता है और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है. बट आउट ऑफ द 100 रुपीज दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड, 60 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन बैंक डिपॉजिट्स. और हमारा आज का ये वेबिनार उसी पे बेस्ड है कि वी बिलीव बैंक डिपॉजिट इज डेफिनेटली अ लॉस मेकिंग प्रपोजिशन. अगर आप बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्टेड है तो आप लॉस कर रहे हैं, आप आपका कैपिटल लूज कर रहे हैं. एंड यू जस्ट वॉन्ट टू पुट सम फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि बैंक डिपॉजिट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, वॉट आर द डिफरेंट वेज, या क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे हमको सिक्योर्ड रिटर्न भी चाहिए, फिक्स रिटर्न भी चाहिए और बैंक डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न्स भी मिले. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सिक्योर्ड बॉन्ड्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली G-Secs जिसको बोलते हैं. सो सिक्योर्ड बॉन्ड्स आई एम श्योर आप सबको पता है, बॉन्ड्स के बारे में काफी लोगों को पता है. द ओनली प्रॉब्लम इज पीपल डोंट टेक एक्शन ऑन इट. हालांकि सबको पता है कि बैंक डिपॉजिट्स में पैसा रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड्स में वी डेफिनेटली हैव बेटर रिटर्न्स, जो मैं डेटा आपके साथ आगे शेयर करूंगा. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट टेक एक्शन ऑन इट. और वहीं पे आज ये चार्ट या ये स्टैटिस्टिक्स हमको बता रहा है कि स्टिल 60% ऑफ द मनी दैट यू हैव इज इन बैंक डिपॉजिट्स. ओके, नाउ आई जस्ट शेयर अ फ्यू पैरामीटर्स vis-a-vis bonds, secured bonds and fixed deposits, and let you know ki how bonds are much superior or much better than fixed deposits. Ye kuch 6-7 parameters pe humne study kiya hai which I want to share with you. So I'll talk about the first parameter, liquidity. Fixed deposits are liquid definitely, and so are bonds. Jis secured bonds ki hum baat kar rahe hai, basically they all are tradable bonds. और आपको अगर चाहिए तो आप उनको रिडीम कर सकते हैं, आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं. वेन एवर वी आस्क यू टू बाय बॉन्ड्स, हम वी ट्राई टू एंश्योर कि आप आपके गोल के साथ उसको मैप करें, और इमरजेंसी के केस में डेफिनेटली यू कैन लिक्विडेट इट. सो दे आर एज लिक्विड एज फिक्स डिपॉजिट. सो हियर आई वुड से डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स आर ऑन एट पार. टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अगेन whatever interest is earned on fixed deposits and the interest on bonds, they are taxable as per your slab. So aapka jo bhi tax bracket mein aap baithe hain, us hisab se bonds and fixed deposits are taxed. Interest, when we talk about interest, we are speaking about types, matlab interest payout types kya kya hai. So basically bonds mein bhi monthly options available hai interest ke, quarterly options available hai, cumulative options available, yearly options available. So again, it is on par with fixed deposits. All on in all these three parameters, bank deposits or bonds, secured bonds, jiske baare mein hum baat kar rahe hain, they are faring at par. Now let's talk about the next aspect, jo hai safety. This is a very important aspect and I am sure aapko ye pata hi hoga, lekin kaafi log jante hue bhi kyun anjaan bante hain ya us pe act nahi karte, humko samajh mein nahi aa raha hai. When we talk about fixed deposits, they are unsecured. Fixed deposits bank में जो आप करते हैं वो unsecured होते हैं nature में, there is no security on it. Typically आप invest करते हैं fixed deposits में looking at the brand or the bank you know, जैसे SBI में आपने invest किया, you trust SBI blindly, you put a FD in there. Either you go through your known sources or आप bank में deposits करते हैं, या आप वो bank का नाम सुन के आप उस पर invest करते हैं. But typically it is an unsecured loan given to a bank. If you check the balance sheets of bank, you will see it is categorized as unsecured loan. Sirf RBI ne wo provision ki hai 5 lakhs insurance ki, jahan pe aapko 5 lakh tak ka insurance diya gaya hai in case that bank goes defunct. So 5 lakh ka insurance dete hai agar wo bank defunct jati hai, lekin per se it is an unsecured loan to bank.
काफी लोगों को ये पता होगा, बट आई स्टिल वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट. वेयर एज सिक्योर्ड बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, तो बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाई नेचर. देर इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, देर इज एसेट दैट इज बैकिंग द बॉन्ड. और डेफिनेटली अगर कुछ भी वो कंपनी को होता है तो वो सिक्योरिटी बेच के आपके पैसे आपको मिल जाते हैं. सो वेन वी टॉक अबाउट सिक्योर्ड बॉन्ड्स, यू डेफिनेटली गेट योर मनी बैक इज वॉट वी वॉन्ट टू टेल यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस. बैंक डिपॉजिट्स में अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर है तो 10% टीडीएस डिडक्शन होता है, बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स देयर इज नो टीडीएस डिडक्शन. जो भी पैसा है पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है. इट इज कंप्लीटली ऑन यू टू डिक्लेयर इट इन योर इनकम एंड पे टैक्स ऑन इट. तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है एंड देन यू पे टैक्स ऑन इट. थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्रेडिट रेटिंग. आज जब भी आप बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, देर इज नो थर्ड पार्टी एजेंसी विच इज एंडोर्सिंग इट. वी ओनली ट्रस्ट दैट बैंक, वी ओनली ट्रस्ट द पीपल हु हैव टोल्ड अस टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बैंक, और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स देर आर थर्ड पार्टी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे क्रिसिल है, केयर है, जो एंडोर्स करते हैं, जो रेटिंग देते हैं वो बॉन्ड्स को. And based on that, you can make a decision. Definitely, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप credit rating देख के bonds में invest करें, but it is one important factor or parameter apart from the management or the corporate. आप देखें उसके अलावा आप credit rating का भी को देखें, तो then it adds up. It is definitely one notch higher or one notch superior to fixed deposits, I would say. So in terms of safety, in terms of credit rating, in terms of no TDS deduction, bonds are definitely better than fixed deposits. Returns ki hum baat kare to hands down bonds, secured bonds are giving much better returns. As I told you, humne ek teaser job se share kiya tha. Bonds, secured bonds are giving returns in excess of 30 to 50% more than bank FDs today. Aaj main aapse ek illustration aage share karunga jahan pe we will show you ki bonds 30 to 50% ज्यादा returns दे रहे हैं आपको than a bank FD. So, अगर हम 6-7 parameters देखें तो I am sure you are convinced कि bonds are much better to invest. Fixed deposits के सामने secured bonds is definitely one investment option जिसको आपको देखना चाहिए. And I'll just share you one illustration for better knowledge कि इंटरेस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ. सो यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है. अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप उसे इन्वेस्ट करते हैं से फॉर अ शॉर्ट टर्म टेन्योर ऑफ 1 ईयर, मीडियम टर्म टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स और अ लॉन्ग टर्म टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, एफडीज के आज जो रेट है बैंक एफडीज के, दे आर एनीवेयर रेंजिंग इन द रेट ऑफ 4-4.5% टू मैक्सिमम 6-6.5%. लेकिन अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, हमने कंजर्वेटिवली डबल ए या ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स का ही रिटर्न्स यहाँ पे पकड़ा है, तो दे आर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 6% to 9%. शॉर्ट टर्म में बॉन्ड्स आर गिविंग यू 6% रिटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डबल ए रेटेड बॉन्ड्स. एंड लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल का आपका होराइजन है तो 9% या 10% तक भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं. सो इफ यू लुक एट द ड्यूरेशन एंड द डिफरेंस इन रिटर्न्स फ्रॉम 30% to 50% returns, excessive returns या additional returns you get in bonds. So ये बहुत clear है कि bonds में आप definitely ज्यादा secured भी है, safe भी है और returns भी आपको अच्छे मिल सकते हैं. Now the only question is कि why are not people investing in bonds, जबकि लोगों को पता है ये data open domain में है, फिर भी लोग क्यों नहीं करते. तो जब हमने हमारे क्लाइंट से बात की, when we started working on bonds, हम पिछले 3 साल से फिक्स्ड इनकम पे काम कर रहे हैं, तो ओनली रीजन वी कुड अंडरस्टैंड इज कि लोगों को पता है लेकिन आगे कैसे बढ़े या एग्जीक्यूशन कैसे करें इसके बारे में पीपल आर अ बिट कंफ्यूज कि इसको आगे कैसे लेके जाए. पता है बॉन्ड्स अच्छे हैं, बैंक एफडीज तो बहुत सिंपल है, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एफडी खोल दो या बैंक में जाओ चेक भर के आपको एक एफडी रिसीट मिल जाता है. बॉन्ड्स के बारे में हाउ टू डू इट प्रोबेबली व्हाट वाज वन फैक्टर व्हिच वी फाउंड कि लोगों को वो इश्यू है, एंड दैट इज व्हाट दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट.
जस्ट टू फिगर्स टू शेयर विथ यू, जस्ट सम डेटा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं. एनी एनी गेसेस कि ये क्या हो सकता है, कि आप में से कोई इसके बारे में कुछ बात कर सकता है, कि वी आर जस्ट शोन टू फिगर्स, 117 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एंड 330 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स. एनीबडी कैन टेक एनी गेस ऑन दिस कि ये फिगर्स क्या हो सकते हैं? Okay, Samir. So, I think you are probably one person who are investing in bonds. So I'll just elaborate it for people who are not aware about this. Today, the global equity market, jo market capitalization hum bolte, global equity market is 117 trillion US dollars. Aur agar hum fixed income ya debt market global dekhe, to that is 330 trillion US dollars. So globally, बॉन्ड मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट बहुत बड़ा है. इट इज मच बिगर देन द इक्विटी मार्केट. प्रोबेबली सम ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग द पेन ऑफ इक्विटी टुडे. आज मार्केट्स साइडवेज है, वॉलेटाइल है, बेरिश मोड में है. बट पीपल आर ग्लोबली अगर आप देखें तो पीपल आर डेफिनेटली मूविंग टू बॉन्ड मार्केट. वो बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है. इंडिया में हालांकि द सिचुएशन इज अ लिटिल रिवर्स. हमारा इक्विटी मार्केट बड़ा है और बॉन्ड मार्केट 70% है. सो इक्विटी मार्केट अगर 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है तो बॉन्ड मार्केट हमारा आज 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ही है. बट विद द रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बॉन्ड मार्केट में बढ़ रहा है, डेफिनेटली द लिक्विडिटी इज इंप्रूविंग एंड मोर पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. सो इंडिया में भी ये मार्केट बढ़ रहा है आज की डेट में. सो प्रोबेबली 5 ईयर्स डाउन फ्रॉम टूडे, ओनली एच एन आईज, अल्ट्रा एच एन आईज, आई वुड से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये ही सिर्फ इन्वेस्ट करते थे बॉन्ड मार्केट्स में. बट थैंक्स टू आरबीआई, थैंक्स टू सेबी, नाउ द बॉन्ड मार्केट्स आर ओपन्ड फॉर रिटेल पीपल ऑल्सो. और आज मैं और आप जैसे लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट मार्केट इज डेफिनेटली ग्रोइंग एंड आई एम प्रिटी श्योर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारा भी बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा होगा. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स की हाउ आर वी प्लेस्ड विस ऑफ दिस ग्लोबल सिनारियो. सो जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल या जो भी हमने सर्वे किया उससे हमको यही पता चला कि लोग आगे क्यों आके इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे. सो द मेन प्रॉब्लम वॉज कि एग्जीक्यूशन कैसे करे वो लोगों को दिक्कत आ रही थी. दैट इज वेयर वी इंट्रोड्यूस्ड एम्फिना, दैट इज मनी मैटर्स फिक्स इनकम एडवाइजरी डेस्क. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस इन जस्ट 2 मंथ्स बैक. और वी डेफिनेटली वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस. हमारा मिशन ही यही है कि हम 1 लाख लोगों को एफडी मुक्त कराना चाहते हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एफडीज में आपका पैसा नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली इमरजेंसी फंड्स टू सर्टन एक्सटेंट शुड बी इन बैंक एफडीज. बट हम चाहते हैं कि जो पैसा फॉर नो रीजन एफडी में आपने रखा है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2 साल में 3 साल में या प्रॉब्ली 6 महीने में लगने वाला है एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू इन्वेस्ट, आपने एफडी में रखा है, वो पैसा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स उसमें से जनरेट करें. सो मनी मैटर्स फिक्स्ड इनकम एडवाइजरी डेस्क हमने इंट्रोड्यूस किया फॉर द सेम रीजन. सम ऑफ द फीचर्स बेसिकली आर we provide advisory, we help you to generate 30 to 50% more returns than your bank FDs. Jaise maine kaha ki bonds mein you have multiple options. You have options from 30 days up 30 din se leke 40 years tak ke investments option hai. So you have to pick and choose. Aapke goal ke hisab se aapko batana hai ki aapko कौन से टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना है. आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको कस्टमाइज सॉल्यूशंस दे सकते हैं एंड दिस एडवाइजरी सर्विस इज बेसिकली फॉर दैट. बॉन्ड्स विल बी बॉट इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में वो बॉन्ड्स ट्रांसफर किए जाएंगे आपके डीमैट में. सो यू विल बी होल्डिंग दोज बॉन्ड्स. वी विल बी हैंड होल्डिंग यू इन द एंटायर प्रोसेस राइट फ्रॉम बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स सिलेक्ट करने हैं, कौन से बॉन्ड्स बाय करने हैं और वो बॉन्ड्स आपके अकाउंट में आने तक एंटायर प्रोसेस वी विल हेल्प यू इन दैट. एंड श्योरली आर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द ऑफरिंग्स विद विच वी हैव. सो एज आई सेड हम लोग ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड बॉन्ड्स में ही डील करते हैं. टिपिकली गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स या परपेचुअल बैंक बॉन्ड्स
GSEC, based on your requirement, we help you in these bonds. अगर आपका risk appetite है, अगर आपका portfolio बड़ा है, तो surely आप higher risk, higher return bonds में भी जा सकते हैं. But initially, we would suggest अगर आपने कभी भी bonds में invest नहीं किया, then you should start with AAA or AA rated or government guaranteed bonds. ये एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा. जो भी लोग आज एमफिना सर्विस को जिसने सब्सक्राइब किया है, ब्रिटानिया का हमारे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड था, जस्ट 70 डेज 80 डेज का बॉन्ड था. और काफी रिक्वायरमेंट्स हमको आती है कि जिनको 2 महीने में पैसा अकाउंट में पड़ा है, 2 या 3 महीने के बाद पैसा लगने वाला है, और बैंक आइदर वो सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है या शॉर्ट टर्म FD में है, जहां पे आपको 2% या 3% सिर्फ मिल रहा है. तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे काफी हमको इंक्वायरीज आ रही है, और हमने ये ब्रिटानिया का बॉन्ड जस्ट 2 हफ्ते पहले लोगों को ऑफर किया था, विच वॉज गिविंग अ यील्ड ऑफ 6.5%. और बेसिकली जब भी कोई अच्छा बॉन्ड हमारे रिसर्च टीम को अवेलेबल होता है, तो हम उसको एमफिना पे सब्सक्राइबर्स को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, एंड विद इन नो टाइम लोग उसको सब्सक्राइब, मतलब दे टेल अस दैट दे वांट टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, और वो सब्सक्राइब हो जाता है या बॉन्ड्स बाय हो जाते हैं. सो नाउ ब्रिटानिया बॉन्ड इज नो मोर अवेलेबल विद दिस एट दिस यील्ड प्राइस, बट 6.5% पे 33 मंथ्स का ये बॉन्ड अवेलेबल था, एंड विद इन अ डे आई फील वो सब पूरा बॉन्ड हमने बेच दिया था. वी हैड सोल्ड इट टू आवर क्लाइंट्स. फ्यू करंट ऑफरिंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वी हैव राजस्थान गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड राइट नाउ अवेलेबल विथ अस, जो 6 साल 6 साढ़े 6 साल का जिसकी मैच्योरिटी है. इट इज अ गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड, सो नथिंग मच टू से अबाउट इट. 10% उसका यील्ड है अगर आप कैलकुलेट करें. उसका मैच्योरिटी पे आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, एंड द प्राइस दैट यू पे राइट नाउ इज 3 लाख, 3 लाख 2000 इज वॉट यू पे राइट नाउ फॉर इट. और 6 साल के बाद 2028 में आपको 5 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. सो वेरी गुड ऑफरिंग फॉर अ 6 ईयर प्रोडक्ट. अगर आप बैंक FD सिमिलर टेन्योर की देखें, तो मुझे नहीं लगता 6% या 6.5% के ऊपर आपको रिटर्न इसमें मिलेगा. अनदर ऑफरिंग दैट वी हैव है जो है इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस का, जो लगभग 2.5 साल में जिसकी मैच्योरिटी है, अगेन डबल रेटेड बाई क्रिसिल एंड सिक्योर्ड बॉन्ड, जो अभी लगभग 9.25 से 9.5% का यील्ड आपको मिल रहा है. यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 50,000 एंड मैक्सिमम जो भी अमाउंट आप कर सकते हैं. ये 1 लाख से लेके वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, यू कैन पुट इट 50,000 भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज आई वुड से शॉर्ट टर्म ऑफरिंग फ्रॉम आर एंड. So, why money matters? As I many already have briefed you on this, ki we have an in-house research team. A basic idea is ki aap fixed deposits, which we definitely believe is a loss-making proposition, aap aapka capital usme burn kar rahe hai, because aaj ki date mein inflation is at 7-8%, aur aap agar aaj 5% ya 6% earn kar rahe hai, to you are burning your capital. So at least be on par with the inflation rate, jo bonds mein aap kar sakte hai. So our research team will help you once you are part of the Emfina subscription group. Aapko different opportunities, offerings diye jayenge, and you can transfer your, shift your money from bank fixed deposits to the bonds. So proactively manage, you can tell us whatever ticket size you have, what tenure you are wanting to invest, aapko uske returns kaise chahiye. Our team will send you the offerings, whatever we have, and help you in the entire process. बहुत बार ये होता है कि बॉन्ड्स बाय करना तो बहुत इजी हो जाता है. सो वी हैव असिस्टेंस प्रोबेबली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है कि आपने बाय कर लिया, लेकिन सेलिंग के टाइम देयर इज नो असिस्टेंस. सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द USP ऑफ मनी मैटर्स, वी विल हेल्प यू इवन सेलिंग इन सेलिंग द बॉन्ड्स. अगर आप मैच्योरिटी तक उस बॉन्ड्स को रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई उसका इशू नहीं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, यू वॉन्ट टू सेल द बॉन्ड्स, सो we help you selling the bonds because we have a pool of clients. Hamare hi kisi clients ko hum usko bechne mein help kar sakte hain, ya definitely we help you in selling in the exchanges. So aap exchange pe jaake bhi usko bech sakte hain. So that is one USP I would definitely like to share, tell you about. Pichle 2 saal mein we have transacted more than 100 crores in bond markets, and
अभी हालांकि हम भी सिर्फ ये HNI क्लाइंट्स के लिए ही बॉन्ड्स का पहले करते थे, नाउ वी हैव ओपन्ड अप दिस सर्विस फॉर रिटेल क्लाइंट्स आल्सो, वेयर वी फेल्ट कि इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि जैसे मैंने बोला कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स के बारे में पता है, बट पीपल डोंट टेक दैट फर्स्ट बेबी स्टेप प्रोबेबली करना है और कैसे करना है. सो दैट इज वेयर एम्फिना सर्विस हमने इंट्रोड्यूस किया है. वी आर चार्जिंग अ वेरी स्मॉल फी ऑफ वन टाइम फी टू सब्सक्राइब टू दिस सर्विस, 1499. दिस इज अ वन टाइम चार्ज. वंस यू आर सब्सक्राइब टू दिस सर्विस वी स्टार्ट सेंडिंग यू वॉट एवर ऑफरिंग्स वी हैव, और देन यू कैन इनफैक्ट एंड यू कैन ऑल्सो कम एंड टेल अस कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी हम आपको कस्टमाइज सोल्यूशंस भेज सकते हैं. दिनकर सर, आई टेक यू योर क्वेश्चन आफ्टर द प्रेजेंटेशन. जस्ट फॉर टूडे, फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, ऑल दोज पीपल हु आर विथ अस इन दिस वेबिनार, फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स वी हैव दिस वन टाइम ऑफर ऑफ 499. चार्मी, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द फॉर्म, द गूगल फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर आप अगले 20 मिनट्स में रजिस्टर करते हैं और 499 रुपीज पे करके सब्सक्राइब करते हैं, तो यू विल बी आवर लाइफ टाइम मेंबर एंड वी विल हेल्प यू इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड ऑफर आवर एडवाइजरी सर्विस टू यू. सो दिस इज फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स. आई जस्ट शेयर विथ यू द गूगल फॉर्म. Charmi, can you share the Google form in the chat I have box? shared the yes Sure. yes I have Okay. shared the link in Sure. the chat. Okay. So I hope this is, आप अगर वो गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक दैट यू कैन यू वुड सी. आपको आपके बेसिक डिटेल्स फिल इन करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है. वंस यू सबमिट द फॉर्म, यू विल गेट अ मेल फ्रॉम आवर साइड. सो दिस इज द एम्फिना रजिस्ट्रेशन मेल दैट यू विल गेट. आपको 1499 नहीं भरना है, यू जस्ट हैव टू पे 499, 499 रुपीज यूजिंग द QR कोड और बाय UPI, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, और यू विल बी सब्सक्राइब टू आवर सर्विस. वंस यू आर पार्ट, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर एम्फिना ग्रुप एंड देन वील स्टार्ट सेंडिंग यू द ऑफरिंग्स दैट वी हैव. तो आई होप आपके, हमने 20 मिनट्स ही आपसे लिए एंड वी कुड ऐड वैल्यू टू यू. माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स को डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए. इट इज वन फिक्स इनकम प्रोडक्ट विच शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. एट मनी मैटर्स, जैसे चार्मी ने ब्रीफ किया, वी आर ऑल्सो इंटू इक्विटी, वी आर ऑल्सो इंटू फिक्स इनकम, बट डाइवर्सिफिकेशन इज डेफिनेटली नीडेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100% इक्विटी में हो या 100% आप फिक्स इनकम में हो. तो अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन में पैसा पार्क करना चाहते हो, वी ऑलवेज से एट मनी मैटर्स, इफ यू हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years एंड मोर, आप इक्विटी ऑफरिंग्स को देखिए. लेकिन आप 2 साल, 3 साल, 1 year और बिलो 5 years, देन फिक्स इनकम ऑफरिंग्स को आपको देखना चाहिए एंड कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड. आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में भी मत रखिए और सिर्फ फिक्स इनकम में भी मत रखिए, बिकॉज यू नीड टू बी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इज वॉट वी ऑलवेज से. एंड आई थिंक वी आर ओपन टू क्वेश्चंस नाउ. आपके अगर कोई भी सवाल हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेबिनार या सिक्योर्ड बॉन्ड्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दिस. आई जस्ट शेयर आर नंबर्स विथ यू. हमारी टीम आपको ये प्रेजेंटेशन या वेबिनार होने के बाद डेफिनेटली कॉल करेंगे. आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस. सर, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन चैट श्योर. बॉक्स. ओके. समीर परवे, या समीर परवे इज आस्किंग चार्जेस फॉर सर्विस एंड डू आई नीड टू ओपन डीमैट अकाउंट विद यू. ओके. सो बेसिकली वॉट एवर यील्ड्स वी गिव यू, आपको एक वन टाइम चार्ज भरना है 499 अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं. वी प्रोवाइड यू नेट यील्ड्स, तो आपको अलग से हमको अगर कुछ कुछ भी पे नहीं करना है. वॉट एवर यील्ड्स वी प्रोवाइड, दे आर नेट यील्ड्स एंड देर इज नो अदर चार्जेस दैट यू नीड टू पे अस. सो इट इज ओनली द वन टाइम फी दैट वी टेक फ्रॉम यू. डू यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट? तो आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट हो सकता है, दैट इज फाइन विथ अस. यू डोंट नीड टू ओपन अ डीमैट विथ मनी मैटर्स.
wherever you have a DMAT account, definitely a DMAT account is necessary. आप कहीं पे भी खोल सकते हैं and we'll ensure that the bonds are transferred to your DMAT account. So anywhere the DMAT account is necessary. Okay. Next question. So what about your thoughts on Yes Bank or Franklin Asian Park? Okay. So as I said, ki definitely bank, Yes Bank hai, financial institutions hai, DHFL hai, there have been issues with banks and financial institutions. Lekin you need to consider AA or AAA rated bond, jaise maine kaha, you need to consider the management, you need to consider the company. Yes Bank ka issue ye tha ki unsecured loans tha. आपने एफ डी अगर उसमें की थी तो इट वॉज अनसिक्योर्ड, जहां पे आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था. सो डेफिनेटली आई वुड से कि उसके उससे ऊपर इमरजेंसी फंड्स आपका नहीं हो सक होता है, तो आप वो पैसा बॉन्ड्स में पार्क कीजिए. फ्रैंकलिन में जो इशू हुआ, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इट वॉज अ डेट फंड. इफ यू आर अवेयर, डेट फंड में जिसमें भी उन्होंने डबल ए या ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, उन सभी लोगों को उनका पैसा मिल गया है. द प्रॉब्लम वॉज दे टुक हायर रिस्क, उन्होंने छोटे कंपनीज में, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को भी के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया, जिसका रेटिंग अच्छा नहीं था, या जो नए थे आई वुड से, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था और जिसमें उनको इश्यूज आया है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू शुड पुट योर इन्वेस्टमेंट इन डबल ए और ट्रिपल ए रेटेड सिक्योर्ड बॉन्ड्स. अब अनसिक्योर्ड पार्ट में अगर जाओगे तो डेफिनेटली ये इश्यूज हो सकते हैं, बट फ्रैंकलिन के केस में जो भी डेट फंड्स उनके थे, जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में थे या डबल ए ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में थे, वो पैसा उनको, उन लोगों को पूरा मिल चुका है. ओके, मनीष देहिया इज आस्किंग कैन यू डेमोंस्ट्रेट द एम्फना. ओके, तो मनीष सर, देयर इज नो ऐप पर से, अभी तक हमने कोई ऐप डेवलप नहीं किया है. देयर इज अ गूगल फॉर्म, एज आई शेयर, चार्मी हैज शेयर्ड द लिंक, आपको सिर्फ वो फॉर्म भरना है. Once you fill in the form and pay the subscription charges, आपको you'll be added to a group. Someone from our team will contact you. आपका जो भी requirement है उस हिसाब से आपको bond offerings भेजा जाएगा. Definitely, since you'll be part of Amfina group, whatever offerings, best offerings we have with us, we'll send you the details. Or if it fits in your आपके गोल्स के साथ अगर वो मैच करता है, इफ इट फिट्स इन योर बिल, देन यू कैन कम बैक टू अस एंड वी विल हेल्प यू विद बाइंग दोज बॉन्ड्स. थैंक यू सुमित, यू हैव पेड द कंफर्मेशन. आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन इज ओवर, यू विल गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम आवर टीम एंड समवन फ्रॉम आवर टीम विल कॉल यू. मनीष सर इज आस्किंग, सो हाउ डू यू इन्वेस्ट मैन्युअली? सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोसेस. मैंने आपको जब भी बॉन्ड्स का मैं डिटेल्स आपको भेजता हूँ एंड यू सेंड अस अ कन्फर्मेशन कि आपको ये बॉन्ड बाय करना है, वील शेयर द बैंक डिटेल्स, हमारे कंपनी के बैंक डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं. ऑन योर कन्फर्मेशन यू हैव टू ट्रांसफर दैट मनी टू अस एंड इन T+3 days. तो आपने आज अगर पैसा ट्रांसफर किया तो 3 दिन के अंदर वो बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में होगा. सो वंस यू ट्रांसफर द मनी टू अस एंड शेयर योर डीमैट डिटेल्स विद अस, T+3 days में वो बॉन्ड्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे सर. सो इट इज टिपिकली अ ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन. दोस हु हैव सब्सक्राइब्ड, प्लीज पुट ओके इन द चैट बॉक्स सो आवर टीम विल कॉल यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू आस्क अबाउट डिटेल्स. I'll be more than, thank you Bhupinder, thank you for subscribing with us, thank you Manish sir. कोई भी आपके सवाल हो, so probably bonds is just one, we want to make this very simple and crisp and clear. There are multiple options bonds में, अभी covered bonds काफी चर्चा में है, या there MLDs जैसे market link debentures options available है, but first stage, baby step is getting into the AA or triple rated bonds. Then once you understand simple, आप ये options में एक बार invest करना सीख जाओ और समझ जाओ, then we can go to the MLDs or talk about the secured bonds या covered bonds जिसके बारे में बात करता, जहाँ पे थोड़ा risk higher होता है लेकिन returns भी higher होते हैं.
So first, let us go to the graduation layer level, and then we can go to the post-graduation level. So bonds में भी बहुत सारे variants आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा. And if you are interested, we can discuss about that in one-to-one meetings. Tushar sir, surely हम आपको recording भेज देंगे. Charmi, ensure that we send the recording. Nitin Sawant has subscribed. Yes. Thank you so much. Yeah. Any more questions? Anything you want to know about secured bonds? I hope we could add some information with you. We could add some share some knowledge with you. As I said, ki don't be in the FD loss making proposition. I sincerely feel आपका emergency fund थोड़ा बहुत bank FDs में रखिए. लेकिन सिक्योर्ड बॉन्ड्स के ऑप्शंस अवेलेबल है एक महीने से लेके एक साल 40 इयर्स तक ऑप्शंस अवेलेबल है. प्लीज डू स्टार्ट सम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, टेक फ्लेवर ऑफ दिस प्रोडक्ट. फिक्स्ड इनकम में आपका पैसा होना जरूरी है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा ये निकाल के आप सिक्योर्ड बॉन्ड्स में स्टार्ट इन्वेस्टिंग. Take a flavor of this product, you will make much more money. आपको probably आज की डेट में ये रिटर्न मतलब कुछ लोगों का कहना था, when I talk to few clients, sir, यहाँ पे मुझे 5% मिल रहा है, आपके बॉन्ड में मुझे 6% ही मिल रहा है, but even that 1% return in a longer horizon, in a longer duration makes a lot of difference. ये 1% का return आप cumulatively अगर अगले 5 साल या 10 साल आपका बॉन्ड का एवीएम या फिक्स इनकम का एवीएम आप बढ़ाते हैं, तो दैट 1% विल ऑल्सो एड मच वैल्यू टू यू. एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 20% मोर. सो 5% के ऊपर अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 20% मोर रिटर्न्स इज व्हाट यू विल गेट इन बॉन्ड. सो बट आई विल इंश्योर यू कि आपको हम जो भी बॉन्ड सजेस्ट करेंगे, सिक्योर्ड बॉन्ड सजेस्ट करेंगे, वहां उसमें आप मिनिमम 30% से मैक्सिमम 60% returns, higher returns than the bank FDs is what you will make. So please do look into this aspect of fixed income. And it is our sincere request that MFINA aap kare to we will definitely guide you. But if you want to Google it or do it by yourself, you can Google it by yourself and do it. Jin logon ko advice ki zarurat hai, because बॉन्ड मार्केट में आज बहुत सारे बॉन्ड्स अवेलेबल. पीपल गेट कंफ्यूज कि कौन सा बॉन्ड बाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. दैट इज वेयर एज मनी मैटर्स और एज MFINA टीम वी कम इन टू पिक्चर. एंड अपार्ट फ्रॉम द एडवाइजरी पार्ट, वी हेल्प यू इन द सर्विस एस्पेक्ट ऑल्सो. सो आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड. आर टीम विल कॉल यू वंस दिस सेशन एंड. शुड आई टेक दिस सेशन ऑफ? So thank you so much. Thank you for your time, and have a great weekend. Thank you.